काफ़ी वक्त ऐसा होता है कि हमें मशीन मिलती तो अच्छी है, पर कुछ दिनों के यूज़ के बाद में मशीन चलना बंद हो जाती है। जैसे आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे पावर बटन दबाऊं तो ये मशीन में कुछ नीड़ की ऊपर नीचे हरकत हो ही नहीं रही है। तो इसका एक मेजर रीज़न ये होता है कि हम अगर इस मशीन को बिना कपड़े के ऑपरेट करें या सिलाई होने के बाद भी हम मशीन को चलाते रहें तो धागा इसके बॉबिन की जगह पर जाकर जम जाता है। तो ऐसे केस में हमें पहले मेक श्योर करना होता है कि हम अंदर से जो भी धागा है उसे निकाल कर बॉबिन क्लीन कर लें और फिर हम हमारी सिलाई शुरू करें। तो आइए देखिए ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो बॉबिन क्लीन करने के लिए पहले हमें इसके ऊपर की कैप निकालनी है। इसके अंदर आप बॉबिन देखेंगे तो आपको बॉबिन तो लगेगी कि ये सब सही है, पर जब बॉबिन निकालेंगे तो इसमें कहीं पर धागा किसी तरह अटका होगा। आप देखें तो ये बॉबिन आसानी से यहाँ पर बाहर नहीं निकल रहा है। तो इसको ज़्यादा खींचेंगे तो ये मशीन डैमेज कर देगी। तो इसे हमें पहले यहाँ पे जो दिया गया स्क्रू है उसे खोलना है। तो एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको पहले स्क्रू ओपन करना है और फिर ये लीवर को थोड़ा सा साइड में सरका के आपको ये बॉबिन केस, और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर धागा खूब सारा जमा हो गया है। अगर ये ना निकले तो आपको इसे किसी कैंची की मदद से काट कर निकालना है, पर ये आसानी से निकल गया यहाँ पर। तो ध्यान रखिए कि कभी भी सिलाई को आप बिना कपड़े के ऑपरेट ना करें। बॉबिन केस में यहाँ पे जो ये एल शेप दिया है, ये एल शेप आपको प्रॉपरली इधर फिट करना होगा। तो इसे इस तरह डाल दीजिए, इस तरह से आपका बॉबिन केस फिट हो जाएगा और फिर आप इसे बॉबिन को दोबारा से लगा दीजिए। बॉबिन लगाने की तरफ आप ध्यान दें कि बॉबिन का शेप का ये धागा ये 9 नंबर की शेप में हो। अगर आप इसे उल्टा लगाएंगे इस तरह तो सुई बराबर धागा पकड़ नहीं पाएगी, इसलिए आपको इसे इस तरह लगाना है। कैप को फिर से लगा दीजिए, अब आपकी मशीन फिर से शुरू हो जाएगी। पर ध्यान रखें इसे बिना कपड़े के ना चलाएं।